सत श्री अकाल जी। पंजाब दे विच चोणां दा माहौल इस वेले पूरे तरीके नाल गरमा गया होया, बल्कि जे ये कहा जाए कि पता ही नहीं लग रहा कि कहड़ी पार्टी किहदे विच वजदी फिरदी है। जदों किते चंडीगढ़ दे विच कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस हुंदी है तो कोई ना कोई नवीं पार्टी अनाउंस हो जाती है, और एक होर पार्टी इस वेले पंजाब दे विच दस्तक दे रही है। वो की एजेंडा लैके आए ने, कि पार्टी है, वो वास्ते असी गलबात जी करांगे। इस पार्टी के करता धरता सब कुछ जो भी ने दिलबाग सिविया जी ने उन्होंने गलबात करते हैं। सिविया जी धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद टीम का, बहुत मेहरबानी। और सिविया जी, ये जी पार्टी तुम अनाउंस कर रहे हो जी, कोई कोई ना कोई क्योंकि एम होंदा किसी बंदे दा कि मेरा आ मकसद है ये सियासी पार्टी जी लिया का, यदा नाम की है तो वह नाम क्यों इदा का रखे की है? साड़ी पार्टी का नाम हैगा जी चकलो रख लो पार्टी पंजाब, तो असं इन रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं पता लग्या कि इन्हों 4 to 6 महीने का समा लग जाता, इस करके जो सा मेरा पहला इलैक्शन होगा वो असं आजाद ही लड़ांगे। तो यदा नाम इस करके रख्या होया कि पिछले 75 साल तो जदों भी कोई एम एल ए बनने तो पहला तो लोगों दशकल दसदा अपोजिशन लीडर कि देखो जी फलाने पिंड आ समस्या, फलाने पिंड आ समस्या, पर जो एम एल ए बन जाता है उस तो बाद सुन आने लग जाता है लोगों दशकल सुनिया, पर यह सारिया मुश्किलों असी चक के विधानसभा रखना ता कि उन्होंने मुश्किलों के हल करवाए जा सकन। इस करके असं इस पार्टी का ना चक लो रख लो पार्टी रखी। अच्छा, वाह जी वाह। तो सिर्फ चक के उत्थे रखनिया ने जी, जां इन्हां तों कोई हल कढ़ना? हल जिवें 75 साल तो पिछलियां पार्टियां कढ़ रही ने, असीं उस तों नाल तां कुछ वखरा करन दी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिहड़ी साडी पार्टी दा एजेंडा है वो जिहड़े आम नागरिक ने जो जिन्ने भी रहिंदे ने साडी कोशिश हैगी है कि लगभग उन्हां नूं जिवें साडी मानसिकता बनी हुई है कि वेहले रह के सानूं सारियां सहूलतां मिल जाण, ते साडी कोशिश हैगी है कि असीं 100% उन्हां गल्लां दे उत्ते खरे उतरीए ते लोकां नूं घर बैठे नूं हर चीज़ है जिहड़ी असीं मुहैया करवाउण दी कोशिश करीए। जे मान लो तुहाडी पार्टी रजिस्टर्ड हो जांदी है, फिर तुहाडे कोल चॉइस हुंदी है कि तुसीं अपना मनपसंद लै सको सिंबल एजेंडा पार्टी का हर एक कोई लैके चलता, जिहड़िया 2-3 चीज़ां ने कहिंदे कि आ मुढ़लियां लोड़ां ने साडियां, सिख्या है, सेहत है जी, सिख्या के बारे दे विच तुसीं कोई उहदा एजेंडा तय किया गया होगा? हाँ जी, असीं उहदे बारे तय किया होया जी। साडे जिहड़े एम एल ए हुंदे ने उह अपने आप नूं हल्के दे सेवादार दसदे ने, ते सेवादार दी हालत की हुंदी है सानूं सभ नूं पता हैगा कि उह सेवादार हुंदे ने जिहड़े कुछ अफोर्ड नहीं कर सकदे, तो इस करके असं यह फैसला किया है भी जो सरकारी स्कूल तो जो सरकारी हस्पताल है, क्योंकि साढ़े एम एल ए अफोर्ड ही नहीं कर रहे कि वह अपने बच्चों उत्थे पढ़ाउण ते जां अपनिया इलाज उत्थे करवाउण, असं सरकारी स्कूल तो सरकारी हस्पताल है जो बंद कर देने। अच्छा, कंप्लीट कंप्लीटली बंद कर देने। अच्छा, क्योंकि जे मैं हुण तुहानूं पुछां कि तुसीं जिहड़ा मोबाइल का सिम कि कंपनी का तुहाडे फोन दे विच हैगा, तो मेरे ख्याल तुहाडे कोल बी एस एन एल का सिम नहीं होना, साढ़े सारे कोल प्राइवेट कंपनी। बिल्कुल, इस करके असं यह सोचा है भी क्यों ना जे साडे हल्के दे सेवादार ने जिहड़े इह अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे बेचारे, तो क्यों ना असीं इह चीज़ां बंद कर दईए, क्योंकि जिहड़ी भी चीज़ हुंदी है मजोरिटी नाल चलदी हुंदी है। जे तुसीं इक सीनियर पत्रकार हो, जे पिछले 20 साल दा तुसीं डाटा कढो तां 59 दी मजोरिटी है जिहड़ी पंजाब सरकार नूं चाहीदी हुंदी है। मैनूं कोई 69 इहो जिहे एम एल ए पिछले 20 सालां दे विच जिन्हां दे बच्चे सरकारी स्कूलां 'च पढ़दे होण ते जिन्हां ने अपना इलाज सरकारी हस्पतालां दे विच करवाया होवे, जे तुसीं मैनूं 59 एम एल ए दी लिस्ट जे दे दिओ तां असीं इहनां नूं खुल्ला रखांगे, नहीं फिर जे साडे हल्कियां दे सेवादार ये काम करने कामयाब नहीं हुए तो फिर इन चीज़ों का खुले रहने का कोई मकसद नहीं है। पर सीबीआई जी, इस तरह जी करप्शन है वो फिर ज़्यादा नहीं पंजाब दे विच हो जूगी, ये नाल जे तुसीं सरकारी नौकरियां कितों फिर आउणगियां, फिर वो बच्चे पढ़ लिख के कितने जाएंगे? जी उहदे लई तां देखो जी साडी कोशिश हैगी है कि असीं बच्चों नूं आयल्स बादल साहब ने कहा सीगा वी आयल्स करन तों बाद बच्चों नूं असीं 10 लाख रुपए का लोन देंगे, पर मुसीबत इत्थे आई खड़ी है कि बहुते बच्चों तों आलस ही नहीं हो रही, ते इस करके असीं फैसला किया साडी सरकार ने कि जे कोई बैंड इधरों उधरों कोई 1-2 मुल लैके जवाकों दे विच उधर पाउणे पए तां असीं उह पा के, ते साडी वध तों वध कोशिश है कि बच्चों नूं विदेश भेजा जाए, क्योंकि जिहड़ा सियाणा मनुख हुंदा है वो सरकार दे काम करन दे किसी भी चीज़ दे विच उन्होंने नुक्ताचीनी करनी हुंदी है, पर साडी कोशिश हैगी है कि वध तों वध बच्चे है जिहड़े उन्होंने विदेशां 'च असीं भेज दईए कि तां कि सानूं इत्थे फिर जिहड़े बाकी बचदे लोक है उन्हां उत्ते राज करन दी कोई दिक्कत ना आवे। ते जिहड़ी अगली गल तुसीं रिश्वत दी कही है वह असीं पहलां वी कह चुके हां कि दफ्तरां दे बाहर असीं रिश्वत दे जिहड़े रेट है वह लिख के लावांगे, क्योंकि सरकार दी दफ्तरां दे विच जां प्राइवेट दफ्तरां दे विच कई वारी की हुंदा है
कि लोगों को समस्या बड़ी आती है क्योंकि एको काम का अपन साहब कोई होर रेट दे रहे हैं, दिलवा कोई होर रेट दे रहा है, जो कोई होर इंसान है कोई होर रेट दे रहा है। इस करके असं ये कोशिश करा कि जो रिश्वत के रेट है वह दफ्तर के बाहर लिख के ला दते जाता कि उत्तर काम कराने वाले कोई दिक्कत ना आए। तो साढ़े इसे एजेंडे श्रोमणी अकाली दल भी फॉलो कर रहा। अच्छा, सरदार सुखबीर सिंह जी ने बयान दिता कि जो किसानों ने उन्होंने घेरा उन्होंने कहा कि रिश्वत घट की जा सकती है, बंद नहीं की जा सकती। तो वो साड़ी इस चीज़ को पुख्ता करता है कि जिहड़ा साडा वो बयान सीगा वो कितना ना कितना सही सी। तो आयल्स वाला साडा आइडिया चोरी नहीं हो गया क्योंकि वो तो कह रहे हैं भी 10 लाख देवांगे तो आयल्स करा के बाहर भेज देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं असं आयल्स करने बाद जो फीसा भरने लोन देंगे। तो मैं कह रहा भी जो सरकारी स्कूलों बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने तो बेचारे तो आलस नहीं हो रही। असं कहने भी असं पैसे दे के सर्टिफिकेट दवावे आलस करवावे। साडा एजेंडा होर है, असं पहले आलस करवाने बाद जो कोई बंदा कोई ना कोई भन कढ़ कर लैंदा। समस्या पहला आलस है, लोन नहीं हैगी। तो जे तुसी बोर्ड बाहर ला दोगे रिश्वत दे के इन्ने इस काम के इन्ने पैसे है तो वो फिर जो एम एल ए ने उन्हों का हिस्सा होगा। तो वो चीज़ तो जी तुम देखो जो भी कितनी गल करते हो भी साढ़े जो एम एल ए ने फिर कहते बनाने ने। जे सरकारी स्कूलों के पढ़ा पा नहीं रहे गए तो हिमाचल वर्गे महंगे स्कूलों के असं नवा ऐलान भी किया कि असं साढ़े एम एल ए बच्चों के नाल उन्होंने रिश्तेदार बच्चों हिमाचल के महंगे स्कूलों प्राइवेट स्कूलों के पढ़ाई करवावे वह सारे का सारा खर्चा पंजाब सरकार चुकेगी। हाँ जी, जेडे क्योंकि पैसे फिर थोड़े को कितों आ पैसे जो रेवन्यू है जी देखो वह तो जनरेट हो जाता है। तुम देखा होना कि कारपोरेट एक उन्होंने एक फंड होंगे उन्होंने 2% कारपोरेट्स ने देना होंगे जी 1 करोड़ रुपया वो कमाई है तो 2 लाख रुपया उन्होंने समाज भलाई के कामों के लाना होंगे। तो असी इंडस्ट्री को लियावे इतने क्योंकि साढ़े को वाधू दरिया ने जिन्हों के जो इंडस्ट्री लग जूगी तो उन्होंने दरियावान आपका पानी भेज सकते हैं, गंदा पानी है जो कुछ भी दरियावान मिक्स कर सकते हैं। तो वो जी कारपोरेट है वो साढ़े पिट से खड़ा उन्होंने साड़ी सरकार बनानी है तो उन्होंने लोगों की भलाई करनी है। इस करके जो रेवन्यू का मसला है वो कोई बड़ा इशू नहीं है जी, वो तो साढ़े नाल है वो साड़ी मदद करेंगे, साड़ी सरकार बनाएंगे असं उन्होंने मदद करा। तो जिहड़े इस वेले पंजाब सरकार तो यह कहती है ना कि साडा सब तो वध जिहड़ा रेवन्यू वो शराब तो आ, कुछ लोग कही जाते भुक्की तो फीम के ठेके भी खोलते, यह भी कोई प्लानिंग है उस उसके बारे? देखो जी असं पार्टी की जी कमेटी हैगी रख्या हुआ मुद्दा, वो कमेटी जो फैसला देगी ये उत्ते ठीक है। पुरानी यह चरोकनी मंग है लोगों की क्योंकि सिंथैटिक विषय नशे तो अक गया लोग तो चरोकनी मंग है ध्यान रखते हुए आने वाले दिनों में पार्टी फैसला लेगी। तो हो सकता है असं इलेक्शन तो 5-4 दिन पहले ही इस चीज़ का ऐलान करिए क्योंकि उस तो बाद फिर मुकाबला जो एक तरफा हो जाना जो असं ऐलान करता। तो इस करके जो दारू है वह तो वो प्रमोट मैं आप कर रहा जी अपने सोशल मीडिया पेजेस के उत्ते मैं मेरी एक इंटरव्यू के भी है कि सरदार सुरिंदर सिंह ने कैप्टन उन्होंने एक कहा कि पिछले साल सू रेवन्यू है जो शराब तो आता है जो असं शराब में वो प्रमोट करा उ सू वो जो रेवन्यू आना। पार्टी तुम बार बार पार्टी कहने पार्टी जी करूगी वो पार्टी कितने है किन्ने मैंबर है वो की कोर कमेटी है की है डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट ने कितों बनाए हुए कौन है पार्टी कौन कौन है? पार्टी के देखो जी सा जो ढांचा है वो हौली हौली असं तैयार कर रहे हैं। डेली असं हल्के इंचार्ज भी ला रहे हैं तो असं विदेशों के प्रधान भी लाए हुए हैं तो उन्होंने मतलब वो जो आपकी फोटो वगैरह भेजते उन्होंने उस तो बाद असं ऐलान दें। जो पार्टी होंगी जी देखो प्रधान ने फैसला लेना होंगे तो उस तो बाद जो प्रधान के फैसले तो जो दूजे लोगों ने फुल चढ़ाने होंगे। अज तक मैं जिन्हें भी फैसले ले जा किसी को प्रधान लाया अज तक तुम जो साढ़े सोशल मीडिया पेज पर जाओ किसी ने कोई विरोधता जाहिर नहीं की। तो आने वाले समय के पार्टी प्रधान फैसला जरा इस संबंधी लै लेंगे तो सोशल मीडिया जरिए तो होर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए जो है सारे जाणू करवा लेंगे। एक तो जो प्रधान है तुम जिमें दसिया हड़के इंचार्ज तुम लाया एक तो प्रधान है पप्पे एक पब्बे ना भर दे थोड़े पब्बे वाले है कि पप्पे वाले ये जी देखो साढ़े ना मतलब माझ मालवे दुआबे पुआध अलग अलग बोलियां ने वो कितने किमें बोल देंगे कितने किमें साढ़े तो जी मैनू तो ना ये जो सेवा का लालच समझ लो जो मेरे बचपन से ही जो अभी क्रिकेट खेलते होंगे ना मेरे दोस्तों उदों भी अभी एक दूजे को प्रधान कह के बुलाते होंगे साढ़े मेरे तो जी उदों की प्रधान वाला मेरा तो वसया हुआ दिमाग के मैंने तो सीगा भी कोई ना कोई मैं यहोजा स्टेज मिले जिते मैं अपने आप को प्रधान कह सकता। तो हूँ सारे मैं प्रधान कहें घर मैं घर के भी प्रधान कहें मैं वधिया बहुत लगता जी जो मैं सारे प्रधान कहें। तो बस इतों हूँ ये अलग अलग बोलियों का विषय है वैसे कोई प्रधान कह लेंदा कोई प्रधान कह लेंदा इस करके असं अलग अलग नावों एक दूजे को बुला रहे जिहड़ा इस वेले बड़ा बोलबाला है परिवारवाद का तो एक परिवार च किन्नियां टिकटां तुसीं देओगे? असं 50 साल तो उपर टिकट नहीं देनी ये डिपेंड करता होंगे जो एम एल ए है कि वह पार्टी को फंड कितना दिंदा ये फंड से निर्भर करता है जिन्ने वो फंड हो गए उन्निया असं टिकटा दे देंगे ये तो कोई इशू ही नहीं है। परिवारवाद ना जो इशू है जी बहुत गलत क्रिएट किया हुआ भी कि परिवारवाद इशू है। तुम देख लो भी जिते मर्जी चले जाओ कि जिहड़ा डॉक्टर होगा वो बच्चे डॉक्टर होणगे जिहड़ा टीचर होगा उन्होंने बच्चे टीचर होणगे
ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਟ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਹਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ। 117 ਹਲਕੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੜੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਜੂ। ਬਸ ਲੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਨਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਮਤਲਬ ਦਾ 2-4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਥੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਐਮਏ ਹਿਸਟਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਰੂ ਆ ਕੰਕਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬਫੇ ਲਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉੱਥੋਂ ਟਿਫਨ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫ੍ਰੀ ਹੋਊ ਸਭ ਕੁਝ? ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੂਡ 'ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜੀ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੇਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। 1 ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ? ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾੜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 30% ਗਾਂ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, 30% ਗਾਂ ਸਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਟ ਪੀਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ।
तो हजे तक उम्मीदवार असं नहीं लाने। मैं एक बार मैं चाहना कि असी केरा सारे पत्ते ना खोलीए, क्योंकि जो असं उम्मीदवार हमने तो लड़ने शुरू करते तो मैं लगता कि दूजिया पार्टियां वाले साढ़े बंद वर्ग लाने की किसी न किसी तरीके कोशिश कर लगे। एक बार असं यही फिर पत्ते आ जोड़े आपके वालों ने भी मूँह करके रखा हुआ उन्होंने मौके पर आके जो इलैक्शन जिस दिन फार्म भरने हुए लोगों ने साढ़े उम्मीदवार वो सामने आने अगले महीने की 28 तरीक में असं खड़कड़ कलां एक प्रोग्राम रखा हुआ। अच्छा हाँ जी, शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है उस दिन ऐसा कि प्रोग्राम रखा हुआ। मिट्टी लियानी वो थोड़ा जी दसा गया मौके पर भी अं की कर जा रहे हैं, तो उस दिन मतलब काफ़ी लोगों साडा जो एजेंडा वो क्लीयर हो। दूजिया पार्टियां जो बंदे लैने हैं पहलियां जड़ियाँ चल रही हैं 50 साल तो उपर तो नहीं लैने। अच्छा, पर तजर्बेकार जो बंद काफ़ी लंबे समय तो इस काम जिन्होंने करप्शन का जिन्होंने तजर्बा जी हरेक चीज़ का, चलो करप्शन का ला लो जिम्मे भी, क्योंकि वो बंद तो अभी थोड़ी बहुत सिक्ख्या ले सकते हैं, तो वह फिर नाल ही असं आपके को मशीन के पा के अब दुध धुते करके तो फिर मौके पर दसा। उम्मीद है जी तुम सरकार बना लोगे, धन्यवाद थोड़ा। उम्मीद नहीं है जी, सानू पूरा विश्वास है जी साड़ी सरकार बन जा रही है, जे असीं लोगों को सारा कुछ फ्री कर रहे हैं सरकार सुनी लोग क्यों ना बनाउणगे, जरूर बनाउणगे। संजी दिलबाग सिविया जी चक लो रख लो जी पार्टी के प्रधान ने वो, और पोलिटिकल स्टायर का एक बहुत वड्डी जी जगह रही है। किसी वेले भगवंत मान होरी जो उभरे सन तो पोलिटिकल स्टायर के रूप के उभरे सन, एक पोलिटिकल स्टायर है उन्हों का ये दसण के वास्ते कि पंजाब की सियासत किन्ना निवाणा तक जी पहुँच गई हुई है। इनू स्टायर तुसी सिर्फ कॉमेडी के रूप के ना लैना, ये असलीयत है। इस करके ना तो उन्होंने फेस के उत्ते हासा देखा ना मेरे फेस के उत्ते, इस करके कि साढ़े हालात योजे बन गए हुए हैं कि असल तस्वीर यह है जी पोलिटिकल पार्टियां दिखाउंदियां नहीं। वैसे जो तुम चोण लड़नी चाहते हो तो उन्होंने संपर्क कर लेना जी। धन्यवाद, सत श्री अकाल।